अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक स्टोरी सुनानी है, और जो आपको थोड़े दिन पहले देखा भी था कि मैंने मोरनी के नीचे अंडे रखे हुए थे, तो उनमें से बच्चे निकले नहीं निकले, क्या निकले, तो वो अपडेट आपको करना चाह रहा। तो इस मोरनी ने 3 अंडे दिए थे अपने, और ये 3 अंडों पे बैठ गई थी। तो मैंने सोचा कि बाकी केजेस में भी जो उस दिन के अंडे पड़े हुए थे वो सारे मैंने इकट्ठे करके टोटल 12 अंडे इस मोरनी के नीचे मैंने रख दिए थे। मतलब कि कहते हैं ना, ज़्यादा अंडे नहीं रखने चाहिए। मैं खुद भी आपको कहता हूँ कि ज़्यादा अंडे नहीं रखने चाहिए, लेकिन मैंने रखे। मैंने सोचा कि चलो फ़ायदा उठा लिया जाए, ये 12 अंडे कवर कर सकती है तो मैं 12 ही रख देता हूँ, और मैंने बस 12 अंडे रख दिए। तो इस केज के अंदर 2 फीमेल्स थी, इस तरह की एक और फीमेल थी ब्लैक शोल्डर। तो शुरू वाले दिनों में तो इस तरह से सीन था कि एक दिन ये बैठती थी, अगले दिन वो बैठ जाती थी। मतलब ये आपस में इस तरह से जगह चेंज करती रहती थी, कभी को वो बैठ जाती है अंडों पे, कभी ये बैठ जाती है। तो लेकिन मैं देखता रहा हूँ सारे टाइम में कि ये अंडों को अच्छी तरह से कवर नहीं कर पाते। मतलब 4-5 अंडे ही जो है ना ये सही तरह से कवर कर लेते हैं, लेकिन जो 12 अंडे मैंने रखे हुए थे वो ये अच्छी तरह नहीं कवर कर रही थी। कोई 2 अंडे इस तरफ से बाहर निकले थे, अगले दिन कहीं दूसरी साइड से निकले हुए। तो वो आप कह सकते हैं कि बाहर वाले जितने भी अंडे थे शायद वो खराब हो गए हैं, और मतलब इतनी ज्यादा हैचिंग नहीं हुई उस तरह से। तो बहरहाल हैचिंग होने से कुछ दिन पहले मैंने देखा कि ये मोरनी आपस में लड़ रही है, दूसरी मोरनी इस वाली मोरनी को मार रही थी। तो मैंने सोचा शायद थोड़ा नॉर्मल है, मतलब ये अक्सर इस तरह से करते हैं, आपस में लड़ने लग जाते हैं मोर और फिर ठीक भी हो जाते हैं, तो मैंने ज़्यादा गौर नहीं किया। लेकिन जिस दिन हैचिंग होनी थी उस दिन मैंने देखा कि 3 चूजे निकले हैं, और जो बाकी अंडे हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और मोरनी जो है वो भागी जा रही है केज के अंदर, दूसरी मोरनी इसको मार रही है। पता नहीं क्या वजह थी, मतलब कि अब इसके अंदर कुछ भी नहीं हम कर सकते। बहरहाल बस ऐसा मैंने देखा कि ऐसा हो रहा है। तो और फिर जब मैंने अंडों के पास जाकर मैंने देखा तो 2 अंडे जो है ना वो टूट चुके थे, उनके अंदर बच्चे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद वो हैच होने से एक आधा दिन पहले जो है टूट चुके हैं। तो शायद वो भी इसी वजह से कि ये जो मोरनियों की आपस में लड़ाई चल रही थी, इसी वजह से कोई उछल कूद के दौरान शायद दूसरी मोरनी ने तोड़े, या इसी के पाँव के नीचे वो अंडे आके टूट गए। तो मतलब टोटल 5 अंडों में बच्चे बने थे, और 5 में से सिर्फ 3 जो हैं वो हैच हो सके, 2 अंडे खराब हो। तो ये तीनों बच्चे जो हैं वो पाइड हैं, ये इन पेरेंट्स के बच्चे नहीं है, बल्कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने मुख्तलिफ केजेस से सारे अंडे जो हैं उस दिन के जितने थे वो सारे रखे थे, तो इसलिए ये सारे दूसरे केजेस के अंडों में से निकले हैं। जाहिर है इनमें से तो पाइड नहीं निकल सकते इस तरह से। तो बहरहाल उस दिन फिर जब मैंने देखा तो मैंने सोचा कि यार ये तो बच्चों को भी मारेगी, और बच्चों मतलब मसला करेगी ये मोरनी। तो उस मोरनी को मैंने दिन के वक्त ही, हालांकि रात का टाइम बेस्ट होता है इनको पकड़ने के लिए, लेकिन मैंने दिन के वक्त ही सोचा, मैंने कहा भी इसको पकड़ना ज़रूरी है और इसको किया जाए शिफ्ट, वरना ये मोरनी को ज़ख्मी करेगी या बच्चों को भी मार सकती है। तो मैंने उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कहने के केज का दरवाज़ा खुल गया और वो हाथ में नहीं आई, और वो केज से बाहर उड़ी है, और यहाँ से उड़ी है वो इस केज के दरवाजे से, और यहाँ से सीधी वो गई है पहले सामने वाली दीवार पे इस जगह, और इस दीवार से फिर उड़ के वो उस जगह पे जाकर बैठ गई। आप इस वीडियो के अंदर देख भी रहे हैं, तो काफ़ी देर ये यहाँ पे बैठी रही है, फिर इसको बाहर से जाके कुछ किसी चीज़ के साथ डराया गया, तो फिर वहाँ से ये लैंडिंग की है इसने पहले इधर, और वहाँ से सीधी इसने लैंडिंग की है वापस अपने केज की तरफ। मतलब कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि ये काफ़ी नर्वस हो जाते हैं जब इस तरह से उड़ते हैं ना ये, मतलब ऐसा नहीं है कि ये आज़ादी ढूंढ रहे होते हैं और ये जनाब बाहर निकल के आते हैं कि मैंने उड़ना है, फ़ौरन से इस तरह से नहीं होता। जब ये फ़ौरन से बाहर निकलते हैं तो ये एक दफ़ा नर्वस हो जाते हैं कि खुली जगह है, और ये ऐसे अपने आप को, मतलब कि ज़ाहिर है मैं उसको पकड़ रहा था और मुझसे बचने के लिए उसने यकदम जो है इतनी लंबी छलांग मारी कि यहाँ से वहाँ पर चली गई है। तो वो इसलिए कि वो बचना चाह रही थी, और ऊपर जाके भी वो नर्वस थी कि मैं किस जगह पे आ गई हूँ, और वहाँ से जब वो नीचे आई है तो फिर भी यही सीन था, और वापस आके उसकी सिर्फ यही कोशिश थी कि वो किस तरह केज के अंदर घुस जाए। ये इस वक्त आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं कि यहाँ से फिर मैंने उसको सोचा कि इस केज में तो बंद नहीं करना, मैंने उसको वो कॉर्नर वाले केज में जो है बंद करना था। तो इस तरह फिर उसको मैंने पीछे सुकून से चेज़ किया, ज़्यादा उसको पकड़ने की कोशिश नहीं की, ना ज़्यादा उसको डराया, और वो खुद ही जो है ऐसा ऐसा केज के अंदर जो है फिर वो चली गई है। तो अभी वो मोरनी उसी केज में है, और ये बच्चे जो हैं ये अपने माँ बाप के साथ बड़े हो रहे हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कहता हूँ कि जो मोरनी के साथ चूज़े हैच होते हैं उनकी ग्रोथ बड़ी ज़बरदस्त होती है। तो ये इसके पीछे बेसिक सी वजह है कि बच्चे जब अपने असली माँ बाप के साथ बड़े होते हैं तो वो सारी हरकतें नोट करते हैं, उछल कूद करते हैं, जैसे आप ये अब इसी बच्चे को आपने देखा, तो ये सारा दिन वक्तन फ़क्तन इस तरह के काम करते रहते हैं, उछल कूद इनकी सारा दिन चलती रहती है। तो
अभी अभी आप देख रहे हैं कि ये मेल जो है बच्चों को मार रहा है। अब इसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या वजह है। बहरहाल यहाँ पे बैठना ठीक नहीं है। जो जब हम बहुत ज़्यादा बर्ड को कह लें कि नर्वस कर देते हैं ना, जैसे मैं इतनी देर से इधर वीडियो बना रहा हूँ और उसको समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है, तो वो नर्वस हो जाते हैं। तो यहाँ तो वो आप पे अटैक करेगा, अब जैसे ये मेरी तरफ़ आ रहा है, अभी मैं यहाँ पे बैठूंगा तो ये यकीनन मेरी तरफ़ आएगा और अटैक करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ अपनी फ़ीमेल को मारने लग जाते हैं या फिर बच्चों को मारने लग जाते हैं। ये साइकी आपको मैं बता रहा हूँ। तो बाकी माशाल्लाह से बच्चों की ग्रोथ के बारे में बात कर रहा था कि ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होती है, ये उछल कूद करते हैं सारा दिन और खुली जगह होती है, और इनके जो पर होते हैं वो भी बड़े, मतलब के दूसरे चूज़ों की नस्बत देखें तो बड़े अच्छे रहते हैं, कि मतलब के एक ड्राई माहौल में रहते हैं। ब्रूडर में थोड़ी ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो ही जाती है, अब जो मर्ज़ी करें, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से पर जो हैं ख़राब होते हैं। लेकिन इस तरह ये मतलब के रात के वक्त इनको टेम्परेचर मिलता है अपनी माँ के नीचे और ये नीचे बैठ जाते हैं, तो वो भी चीज़ सेट रहती है। और दिन के वक्त ये खुले इस तरह माहौल के अंदर थोड़ा फिरते रहते हैं, उछल कूद करते रहते हैं। अब अगर खाने पीने की बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इस केज में सिर्फ फीड पड़ी हुई है, तो ये शुरू से खा रहे हैं। आप इनकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, ये माशाल्लाह से 3 हफ्तों के हैं, उनकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है और बहुत ही एक्टिव हैं, मतलब कि बिल्कुल कोई एक भी इस तरह से ढीले वाला सीन नहीं आया कि कमज़ोर है या नहीं है। तो मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ़ीड के बारे में आप बहुत टेंशन लेते हैं कि फ़ीड कौन सी दें क्या दें, तो ये आपने देखा कि सिर्फ फ़ीड ये पड़ी हुई है और यही फ़ीड ये शुरू से खा रहे हैं अपनी माँ के साथ। और इस केज के अंदर शायद थोड़े बहुत कीड़े मकोड़े ये खा रहे हैं, लेकिन मेन इनकी डाइट फ़ीड ही है। मैंने अब आपको सही बात बताता हूँ, अभी दफ़ा मैंने एक दफ़ा भी इनको अभी तक एक दफ़ा भी जो है अंडा उबाल के नहीं दिया, तो ये सिर्फ फीड खा रहे हैं और फिर भी माशाल्लाह से इनकी ग्रोथ और सारा कुछ देख सकते हैं कि माशाल्लाह से एक्टिव है। तो इसलिए फ़ीड जो है मुर्गियों वाली, ब्रायलर वाली है या चिक स्टार्टर है, वो बेस्ट डाइट है चूज़ों के लिए और फिर बड़ों के लिए भी वो बेस्ट, आप बेफिक्र होकर दे सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको इसमें से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिला होगा। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट टाइम।